गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग आकृति, गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग लवली, गुड मॉर्निंग शोभ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था बच्चों हमने? लास्ट हमारा एक टॉपिक खत्म किया था हमने, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर कुछ कंटेंट्स हैं जो हमको पढ़ना है, प्रैक्टिकल कंटेंट्स। पहले मैं प्रैक्टिकल ले रहा हूँ, बाद में हम उसका थ्योरेटिकल वाला पार्ट लेंगे। तो प्रैक्टिकल दो चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक तो मैनेजरियल रिम्यूनरेशन और एक CSR रिपोर्टिंग। ये दो चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल हैं। उसके बाद बाकी पार्ट चैप्टर नंबर 5 का पूरा थ्योरेटिकल है। इन दो पार्ट्स को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सारे बच्चों ने मैनेजरियल रिम्यूनरेशन तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बोलो। हेलो, वेरी वेरी गुड, सब ने पढ़ रखा है, तो चलो रिवीजन हो जाएगा आपका लॉ के अंदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम में बेटा, चाहे लॉ का पेपर हो चाहे अकाउंट का पेपर हो, दोनों जगह ही ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, इसलिए आपको इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन पढ़ाऊं, उससे पहले सारे बच्चे मेरे को ये बताएंगे मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक कौन सा वर्ड है फटाफट बोलो, मैनेजरियल, और दूसरा वर्ड कौन सा है? रिम्यूनरेशन, है कि नहीं बोलो। तो हमको दोनों की मीनिंग पता होना चाहिए, मैनेजरियल का मतलब क्या है, रिम्यूनरेशन का मतलब पता क्या है। सर ये मीनिंग कहाँ मिलेंगे? ये सब मीनिंग मिलेंगे हमको कंपनीज एक्ट के अंदर। तो क्या हमको कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल बेटा, सब कुछ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली ही चलेगा। तो कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर हमको इस मैनेजरियल रिम्यूनरेशन में पढ़ना है? तो बेटा देखें आप अपने कंपनीज एक्ट को, तो ढेर सारे पॉइंट, ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के कंपनीज एक्ट डिस्कस करता है अलग अलग जगह जाके। चैप्टर 13 आपका मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के अपॉइंटमेंट और रिम्यूनरेशन से रिलेटेड है, जो सेक्शन 196, 197, 198 से रिलेटेड है। इसके अलावा आपने कंपनीज रूल 2014 में भी इसके अपॉइंटमेंट को लेकर के डील किया होगा। शेड्यूल 5 ऑल्सो, सेवी LODR रेगुलेशन 2015 इज ऑल्सो डिस्कस। इसके अलावा सेवी रेगुलेशन 2015 इज ऑल्सो डिस्कस। देखा जाए तो इतने सारे सेक्शंस हमारे मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के अपॉइंटमेंट और उनके रिम्यूनरेशन की बात करते हैं। ये होल कंपनीज एक्ट के जितने भी पार्ट हैं जो मैनेजर रिम्यूनरेशन से रिलेटेड है, मैंने आपको यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट दिखाया है कि आप देखें ये सारे कॉन्सेप्ट क्या आपके पढ़े हुए हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। अगर ये पढ़े हैं तो इसका मतलब आपने मैनेजर रिम्यूनरेशन की मास्टरी हासिल कर रखी है। समझ में आया बोलो। हेलो अमीशा, आकृति, आयुषी, सब पढ़ा हुआ है? लवली बोल रही हाँ सर, सब पढ़ा हुआ है, बाकी बच्चों ने नहीं पढ़ा है ऐसा लग रहा है। अदर स्टूडेंट्स, हर्षिता, ईशा, खुशी, रिया, शुभ, सलोनी, पढ़ा है, वेरी गुड। तो चलो अब आप क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों? मेरे कोर्स में अपॉइंटमेंट के कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब अकाउंट्स के अंदर अपॉइंटमेंट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केवल रिम्यूनरेशन पढ़ाऊंगा। और रिम्यूनरेशन से रिलेटेड जो सेक्शन है मेरे कोर्स में, वो केवल क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं मैं, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस जो मैं कवर करूंगा मैनेजरियल रिम्यूनरेशन से रिलेटेड। एक तो पहला प्रोविजन जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है आपका बेटा सेक्शन 197, 198। मतलब मैं 196 नहीं पढ़ाऊंगा अपॉइंटमेंट वाला, मैं 97, 98 से बात करूंगा कैलकुलेशंस वाले पार्ट से रिम्यूनरेशन की। और दूसरी बात बेटा जो मैं यहाँ डील करने वाला हूँ वो है आपका कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 5। तो मैं आपको शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील करूंगा, और एक LODR वाला जो प्रोविजंस है 2015 का, तो LODR के प्रोविजंस में आपसे डिस्कस करूंगा। मतलब मैं केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट ही डिस्कस करने वाला हूं, मैं थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर? हेलो, ओके। तो चलें
एक एक करके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ डालते हैं। डेफिनेशन किसकी, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया मैनेजरियल रिम्यूनरेशन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक मैनेजर मैनेजरियल और दूसरा रिम्यूनरेशन। तो सबसे पहले मैनेजरियल की बात करते हैं कि मैनेजरियल पर्सन मतलब हु, किन की बात यहां पर चल रही है। तो मैनेजरियल पर्सन की डेफिनेशन अगर आप कंपनीज एक्ट में देखोगे तो वहां ढेर सारे लोग, ये सब लोग मैनेजरियल पर्सन कहलाते हैं। की मैनेजरियल पर्सन के अंदर ये सारे लोग आते हैं, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, ऑल टाइम डायरेक्टर हो गया, चीफ फाइनेंशियल डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, और एनी अदर पर्सन जो स्पेसिफाइड कर रखे हैं, ये सारे लोग मैनेजरियल पर्सन कहलाते हैं। तो क्या सर इन सब के रिम्यूनरेशन की बात आप कर रहे हो? नहीं बेटा, इनमें से कुछ लोगों के रिम्यूनरेशन की बात ही मैं यहां पर करने वाला हूं। तो सर कौन से लोगों के रिम्यूनरेशन की बात करने वाले हो आप? मैं केवल यहां पर जो कंसीडर करूंगा वो कंसीडर करूंगा, एक तो बेटा होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, जिनको हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करूंगा। और दूसरी बात करूंगा मैं यहां पर बेटा आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनको पार्ट टाइम डायरेक्टर्स बोलते हैं, तो इनकी बात करूंगा। मतलब मैं यहां पर किनको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, कंपनी सेक्रेटरी और जो फाइनेंस डायरेक्टर है उनको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैं यहां पर केवल इतने लोगों की ही बात कर रहा हूं कि इनको मैनेजरियल रिम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा। क्लियर? हेलो। अब सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इनके रिम्यूनरेशन पे इतना रिस्ट्रिक्शंस क्यों? बताओ बेटा ये सब कंपनी के होल सोल करता है कि नहीं? अब ये होल सोल करता है तो बेटा ये अपनी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करें और बोल दें अंबानी जी को 500 करोड़ रुपए का रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, तो पैसा पब्लिक का मजे लूटेंगे अंबानी जी। बोलो, अंबानी जी ने अपनी नीता अंबानी जी को बर्थडे पर 100 करोड़ का प्लेन गिफ्ट कर दिया, तो नुकसान किसका है? पब्लिक का है कि नहीं? हेलो, क्या गवर्नमेंट चाहेगी कि पब्लिक को नुकसान हो? तो इसलिए बेटा इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखें कि कोई भी डायरेक्टर ज्यादा रिम्यूनरेशन किसी पब्लिक कंपनी से ना ले पाए, इसलिए यहां पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ में मैनेजर रिम्यूनरेशन बताया जाता है कि कोई भी कंपनी अपने मैनेजर को मैक्सिमम कितना रिम्यूनरेशन दे सकती है। यहां जो लिमिट्स बताई गई हैं वो मैक्सिमम बताई गई हैं, मिनिमम नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। तो चलो इन सब की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर की। हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर? तो मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब बेटा वो बंदा जिसके पास सब्सटेंशियल पावर है मैनेजमेंट के, सब्सटेंशियल पावर जिसके पास है मैनेजमेंट के, वो बंदा कौन सा क्या कहलाएगा? फटाफट बोलो, वो बंदा कौन कहलाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर्स कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो। कंपनी का डायरेक्टर है और डायरेक्टर होते हुए उसके पास सब्सटेंशियल पावर है। सब्सटेंशियल पावर क्या है? आप सारे बच्चों को पता है सब्सटेंशियल पावर, कौन बताएगा सब्सटेंशियल पावर का मतलब क्या है? बोलो। हर्षिता, तनीषा, कौन बता रहा है? जी बेटा, और कौन बता रहा है सब्सटेंशियल पावर का मतलब? हर्षिता, खुशी, रिया, ईशा, कौन बता रहा है? भूल गई। बाकी बच्चे, लवली, शुभ, सब्सटेंशियल पावर का मतलब होता है बेटा डिसीजन में, डिसीजन मेकिंग के समय वो एक्स्ट्रा वोट भी डाल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल वोट पड़े किसी डिसीजंस को लेकर के, तो वो डिसीजंस ले सकता है कि भैया ये वाला रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, इनका कहना सही है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। हेलो।
तो ध्यान रखेंगे सब्सटेंशियल पावर मतलब बेटा मैनेजमेंट डिसीजंस में उसकी ज्यादा चलेगी, ऐसा मान लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में सभी लोग हैं लेकिन ज्यादा किसकी चलती है, तो वो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए। क्लियर है कि नहीं? हेलो, क्योंकि उनके पास सब्सटेंशियल पावर है, तो इन्हीं को हम सब्सटेंशियल पावर वाले डायरेक्टर्स बोलते हैं, उनको हम बोलते थे मैनेजिंग डायरेक्टर। ध्यान रखना किसी भी कंपनी में एक सिंगल मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होते। क्लियर? इसके अलावा सर होल टाइम डायरेक्टर किसको बोलते हैं? तो बेटा होल टाइम डायरेक्टर मतलब बेटा वो डायरेक्टर जो पूरी तरह से कंपनी के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, मतलब कंपनी में एज अ एम्प्लॉय जैसा ही काम करते हैं, फुल टाइम कंपनी में वर्क कर रहे हैं, हर एक डिसीजन मेकिंग में कंपनी को सपोर्ट करते हैं, वो डायरेक्टर्स कौन से डायरेक्टर कहलाएंगे बच्चों? होल टाइम डायरेक्टर्स कहलाएंगे। क्लियर? हेलो, दैट डायरेक्टर इज होल टाइम डायरेक्टर। सर मैनेजर किसको बोलते हैं? बेटा मैनेजर एक वो बंदा है जो डायरेक्टर्स नहीं है लेकिन फिर भी, डायरेक्टर नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास सब्सटेंशियल पावर है, तो वो बंदा कौन कहलाएगा? मैनेजर कहलाएगा। क्लियर बेटा? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इज अ डिफरेंट मैटर। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इज अ 20% और मोर, यदि आपने शेयर होल्ड कर रखे तो वो आपका एसोसिएशन हो जाता है। देयर आर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मैं यहां पर सब्सटेंशियल पावर की बात कर रहा हूं। क्लियर? हेलो, तो मैनेजर क्या हो गया बेटा? मैनेजर क्या हो गया? मैनेजर एक ऐसा बंदा है जो मैनेजमेंट को देखता है पूरी तरह से और उसके पास भी सब्सटेंशियल पावर है लेकिन वो डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर ना होते हुए भी सब्सटेंशियल पावर रखते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? खाली मैनेजर। क्लियर? जिसके डायरेक्शन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं। क्लियर? तो वो बंदा कौन कहलाएगा? मैनेजर कहलाएगा। किसी भी कंपनी में या तो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है या मैनेजर होता है, दोनों में से कोई एक ही होगा। क्लियर? हेलो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं एक कंपनी है, कंपनी के अंदर कोई एक बंदा है जो कि डायरेक्टर नहीं है लेकिन उसको मैनेजर बना दिया है, तो मैनेजर बना दिया मतलब वो सबको कंट्रोल कर रहा है, सबको देख रहा है कि भैया कैसे काम करना है, डायरेक्टर्स की मीटिंग कब होना है, ये सारे डिसीजंस वो ही ले रहा है। दैट पर्सन इज मैनेजर। उन्हीं डायरेक्टर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उन्हीं डायरेक्टर में से किसी बंदे को हमने क्या अपॉइंट कर दिया बच्चों? मैनेजिंग मैनेजर अपॉइंट कर दिया, तो वो बंदा क्या कहलाने लगेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाने लगेगा, क्योंकि डायरेक्टर होते हुए वो मैनेज कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो बस दोनों में इतना फर्क होता है, ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? हेलो, दैट पर्सन इज मैनेजर, ये पर्सन मैनेजर कहलाएगा। सर और कौन से डायरेक्टर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में? और होते हैं बेटा, आप सबको पता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बोर्ड के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फुल टाइम होते हैं कि पार्ट टाइम होते हैं? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फुल टाइम होते हैं कि पार्ट टाइम होते हैं? हेलो, आकृति, अमीशा, ईशा, बताएं जल्दी से, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फुल टाइम और पार्ट टाइम? फुल टाइम होते हैं, खुशी का कहना है। बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? अरे ऐसे कैसे डायरेक्टर पढ़ा रहे तुम लोगों ने नालायको, कुछ दिन बाद तुम्हारा पेपर है, तुमको यही नहीं पता? मतलब पढ़ाया कि नहीं पढ़ा? मेरे को तो शक होने लग गया, आप केवल मस्ती छानी है, पढ़ाई ही है। तो बताओ फिर क्या होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर फुल टाइम होंगे तो फिर वो तो एम्प्लॉयमेंट हो गए कंपनी के अंदर, कंपनी के एज अ एम्प्लॉय हो गए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेटा डे टू डे बिजनेस में कोई भी काम नहीं करते हैं, केवल उनको बोर्ड मीटिंग में बुलाया जाता है डिसीजन के समय, बाकी डे टू डे वर्क को मैनेज नहीं करते हैं। ध्यान रखना इट इज अ पार्ट टाइम डायरेक्टर। ये डायरेक्टर कौन से डायरेक्टर्स कहलाते हैं बेटा? पार्ट टाइम डायरेक्टर। इसलिए तो इनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं। समझ में आया? हेलो, इसलिए इनको सिटिंग फीस दी जाती है। अरे भाइयों याद करो, बताओ। तो
इनको आप पार्ट टाइम डायरेक्टर बोलो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलो, बात एक ही है, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, क्लियर? हेलो, तो दैट डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिन 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 इनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा होता है क्या? नहीं, इनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा नहीं होता है, ध्यान रखना, इनको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं? आपको डेफिनेशन में पढ़ाया गया होगा कि भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर्स हैं, वो पर्सन हैं जो सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 149 के अकॉर्डिंगली बंदा हो, मतलब जो ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना ही होल टाइम डायरेक्टर है, ना ही नॉमिनी डायरेक्टर है, ना ही प्रमोटर से उसका कोई रिलेशन है, ना ही कंपनी से उसका कोई रिलेशन है, ये सारी बातें, जिसकी एज 21 ईयर से ज़्यादा है और जिसको एप्रोप्रिएट स्किल और एक्सपीरियंस और नॉलेज है, वो बंदा क्या हो सकता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। ये सारी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं बोलो? तो दैट डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ध्यान रखेंगे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होता है। तो बेसिकली कंपनी के बोर्ड को अगर आप देखो तो कंपनी के बोर्ड में होल टाइम डायरेक्टर्स भी होते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर भी होते हैं, और एक इन सबको मैनेज करने वाला एक बंदा होता है जिसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर बोलते हैं, इन्हीं में से होता है वो। क्या ये बात क्लियर हो गई? बोलो। तो दैट इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। इस तरह से बेटा कंपनी जो है, बोर्ड जो है, वो बनाया जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये सब लोग होते हैं। अब उसमें कितने मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, तो मैंने बोला एक सिंगल बंदा ही होगा। कितने मैनेजर होंगे, एक सिंगल बंदा होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर दोनों एक साथ हो सकते हैं, तो मैंने बोला नहीं, कंपनी में या तो एमडी होगा या मैनेजर होगा, दोनों साथ साथ नहीं होते। क्लियर? मतलब सब्सटेंशियल पावर किसी एक को ही होता है, सब्सटेंशियल पावर किसी एक को ही होता है। हाँ, लेकिन अगर आपके यहाँ अलग अलग कमेटीज हैं तो अलग अलग कमेटी के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, वो अलग चीज हो गई। कि भाई वो चेयरपर्सन है अलग अलग कमेटीज का, वो अलग चीज हो गई। होल सोल कंपनी को मैनेज करने वाला एक ही बंदा है। जैसे नाहटा एकेडमी के अंदर नाहटा सर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे और भी लोग हैं डायरेक्टर्स, समझ में आया कि नहीं? बट नाहटा सर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर हुआ? हेलो। तो ऐसे तो और भी हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं टीचर को मैनेज करने के लिए हर्षित भैया को रखा हुआ है, तो ही इज अ मैनेजर, लेकिन क्या वो कंपनी के डायरेक्टर हो गए? समझ में आया कि नहीं? क्लियर? हेलो। तो ध्यान रखेंगे, तो ऐसे मैनेजर बहुत हो सकते हैं, बट यहां मैं जिस मैनेजर की बात कर रहा हूं, वो मैनेजर वो बंदा है जो क्या करता है, होल सोल कंपनी को मैनेज करता है। समझ में आया? वो डायरेक्टर हो सकता है या मैनेजर हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ध्यान रखेंगे, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, एक ही रहेगा, एक कंपनी में एक ही एमडी होगा या फिर मैनेजर होगा। क्लियर? हाँ, होल टाइम डायरेक्टर ज्यादा हो सकते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कितने भी रखो मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल किस में है? मैनेजिंग पर्संस में। क्लियर? तो ये एक कहानी हो गई। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कई बार, पार्ट टाइम डायरेक्टर कई बार, कोई बेटा बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अपॉइंट कर देता है कंपनी के अंदर डायरेक्टर। क्या ऐसा सुना है आपने कि किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया? बोलो। बोर्ड के अंदर वो भी अपॉइंट हो जाता है, ऐसे डायरेक्टर भी कंपनी के अंदर होते हैं। सर कैसे? बेटा जैसे मैं बैंक के पास गया लोन लेने की, भैया मेरे को 500 करोड़ का लोन दे दो। बैंक बोलता है ठीक है मैं लोन तो दे दूंगा, लेकिन इस लोन के साथ में हमारे एक बंदा भी साथ में जाएगा, वो आपके बोर्ड में एज अ डायरेक्टर रहेगा। मैंने बोला ये वो क्यों? बोले वो ध्यान रखेगा कि लोन का पैसा सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं, बाकी अपने नाक कान सब बंद करके रखेगा मीटिंग के अंदर। जब भी लोन के बारे में कोई डिसीजंस लिए जाएंगे तो वो बंदा ध्यान देगा। तो ऐसे डायरेक्टर भी अपॉइंट होते हैं, दैट डायरेक्टर इज ऑल्सो अ पार्ट टाइम डायरेक्टर। समझ में आया? बोलो। हेलो। ऐसा भी होता है। ये बिल्कुल वैसी कहानी हो गई जैसे पुराने समय में आपने सुना होगा शादी विवाह होते थे तो घरवाली के साथ में एक और लेडी आती थी, पुराने समय में
हम बोलते थे इनको क्यों लेके जा रहे हो, तो वो बोलते थे कि देखो कुछ समय तक ये ध्यान रखेगी आप सही से देखभाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसकी। समझ में आया कि नहीं? आजकल तो एक ही नहीं संभलती, पहले तीन तीन चार चार साथ में आती थी। क्लियर है कि नहीं बोलो? तो सेम यहां पर बोले लोन दिया है तो लोन के साथ में इस बंदे को भी ले जाओ। अब मेरे को ये बताओ, बैंक ने अब डायरेक्टर अपॉइंट किया, उसका रिम्यूनरेशन कौन देगा? बैंक देगा? नहीं, कंपनी को देना पड़ेगा। जैसे घरवाली के साथ में एक और आई तो उसका खाना पीने का इंतजाम घरवाली थोड़ी ना करेगी, आपको ही करना है। समझ में आएंगे नहीं बोलो? तो दैट डायरेक्टर इज पार्ट टाइम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा भले ये कोई कोई भी अपॉइंट करता है, बाहरी अथॉरिटी अपॉइंट करती है, लेकिन इनका रिम्यूनरेशन कंपनी को ही पे करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? हेलो। तो ऐसे डायरेक्टर्स बेटा हमारे पार्ट टाइम डायरेक्टर्स कहलाते हैं। तो ये कंपनी का बोर्ड स्ट्रक्चर होता है, इनको कितना रिम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए उसकी कहानी इस चैप्टर के अंदर दी हुई है। अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, मैंने आपको सबसे पहले मैनेजरियल पर्सन के बारे में बताया। मैनेजरियल पर्सन कौन कौन हो गए? अब मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो। बताओ, मैनेजरियल पर्सन मतलब जिनको मेरे को रिम्यूनरेशन देना है वो कौन कौन हो गए? एमडी या मैनेजर, दूसरा नॉट सी सीएफओ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए यहां पर कौन है इस सेक्शन में? मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, इसी को सीईओ भी बोल देते हैं कई कंपनी लोग। हाँ, इसके अलावा बताएं, होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, कुल मिला के मैं तीन लोगों की ही बात कर रहा हूं, तीन प्रजाति की बात कर रहा हूं, चौथी प्रजाति मेरे को यहां नहीं चाहिए। समझ में आया? हेलो। मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या सीईओ। दूसरा मैंने क्या बोला, जल्दी से बताएं, सेकंड नाम क्या बोला मैंने? होल टाइम डायरेक्टर, जिनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोल भी बोलते हो आप। और थर्ड क्या बोला है? पार्ट टाइम डायरेक्टर या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो नाम बोलना है वो बोलो, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। क्लियर? इनको रिम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा? तो पहली डेफिनेशन मैंने मैनेजरियल पर्सन की बताई कि जो इसके अंदर कवर होने वाले हैं। दूसरा पॉइंट जो यहां पर है वो ये कि रिम्यूनरेशन मतलब क्या। तो रिम्यूनरेशन की डेफिनेशन अगर आप कंपनीज एक्ट में देखोगे तो रिम्यूनरेशन के बारे में भी कंपनीज एक्ट यहां बता रहा है। क्या बता रहा है? वो बोल रहे हैं कि रिम्यूनरेशन मतलब डायरेक्टर साहब को जो सैलरी दे जा रही है, टीएडीए दिया जाएगा, परक्विजिट्स दी जाएंगी, कमीशन दिया जाएगा, अलाउंसेस दिए जाएंगे, कोई फीस पे की गई है, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर किया है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी को चुकाने के लिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, उसके चाइल्ड पे पैसे खर्च किए हैं, मतलब एनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो आपने डायरेक्टर्स के ऊपर किए हैं, डायरेक्टर्स को दिए हैं, वो सब रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा, एक्सेप्ट कुछ चीजों को छोड़कर। क्या क्या छोड़कर? तो बोलते हैं अगर उसको प्रोफेशनल कैपेसिटी में कुछ दिया है, मतलब आपका डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसको जो पेमेंट किया गया वो एज अ डायरेक्टर नहीं, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पे किया गया है, तो फिर वो उस वाला पेमेंट रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होगा। क्लियर? हेलो। और क्या नहीं जुड़ेगा? तीन चीजें नहीं जुड़ेंगी, ध्यान से सुनेंगे। पहला पार्ट मैंने क्या बोला कि अगर उसको प्रोफेशनल सर्विसेज के बदले में कुछ पेमेंट किया जा रहा है, एक्स्ट्रा किसी अदर कैपेसिटी में पेमेंट किया जा रहा है जो प्रोफेशनल कैपेसिटी रखता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वो सीए नहीं है और हम उसको ऑडिट का पैसा दे रहे हैं तो फिर वो रिम्यूनरेशन का पार्ट हो जाएगा। हाँ, सीए है और ऑडिट का पैसा दे रहे हो या किसी अदर सर्विसेज का पैसा दे रहे हो तो फिर वो रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पेमेंट हो रहा है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी पेमेंट हो रहा है, एज अ वैल्यूअर पेमेंट हो रहा है। अगर वो ऐसा है तो रिम्यूनरेशन में नहीं जुड़ेगा, नहीं तो वो भी रिम्यूनरेशन में जुड़ेगा अगर उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और आप उसको उस सर्विसेज की कैपेसिटी में पेमेंट कर रहे हो तो फिर वो रिम्यूनरेशन का पार्ट हो जाएगा। क्लियर? हेलो। तो पहली चीज, क्या नहीं जुड़ेगी रिम्यूनरेशन में? सब कुछ जुड़ेगा। क्या नहीं जुड़ेगी? एक्सपर्ट प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर आप कुछ दे रहे हो तो वो नहीं जुड़ेगा। और क्या नहीं जुड़ेगा? अगर आपने इनको सिटिंग फीस पे की है, सारे बच्चे बताओ क्या होल टाइम डायरेक्टर को सिटिंग फीस दी जाती है? नहीं देते, लेकिन आईसीएआई बोलता है दे सकते हैं। तो बेटा
दैट इज डिफरेंट मैटर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे सिटिंग फीस रिम्यूनरेशन के अलावा होगी, सिटिंग फीस रिम्यूनरेशन में काउंट नहीं होगी, क्लियर। और साथ ही साथ एक इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कौन सा, कि अगर आपने डायरेक्टर कोई फ्रॉड करे उस फ्रॉड से बचने के लिए कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है, तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टर का आपने करा रखा है फ्रॉड से बचने के लिए, वो प्रीमियम भी इनके रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होगा। तीन चीजों को छोड़ करके डायरेक्टर साहब को जो भी दिया है वो सब रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा, क्लियर। हेलो बताओ, डायरेक्टर का पीएफ रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। डायरेक्टर की ग्रेजुटी रिम्यूनरेशन का पार्ट होगी कि नहीं होगी? डायरेक्टर को बोनस दिया रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। डायरेक्टर को बेटा हमने एक कार दिलाई आने जाने के लिए, ड्राइवर रखा हुआ है, बताओ उनका जो भी खर्चा आ रहा है ये रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। डायरेक्टर के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी चाइल्ड की फीस कंपनी जमा कर रही है, रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। घर में कंपनी ने डायरेक्टर की घरवाली को खाने में मदद करने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए कंपनी ने एक नौकर प्रोवाइड किया हुआ, सर्वेंट प्रोवाइड किया हुआ, जिसका पेमेंट भी कंपनी करती है, बताओ रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा कि नहीं होगा? एचआरए दिया हुआ है, बताओ रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा कि नहीं होगा? होगा, सब कुछ होगा। लेकिन डायरेक्टर साहब को सिटिंग फीस दी, रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा नहीं होगा? डायरेक्टर साहब हमारे रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं, उनको हमने वैल्यूएशन करवाया, उसकी फीस दी, रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा नहीं होगा? क्योंकि ये अदर कैपेसिटी में पेमेंट किया जा रहा है। एक फ्रॉड पॉलिसी ले रखी है कि डायरेक्टर कहीं कोई नेग्लिजेंस कर दें, मिसकंडक्ट कर दें, कुछ कर दें, उसकी पॉलिसी ले रखी है डायरेक्टर्स के नाम से, और उसका फीस पे प्रीमियम भरा है, क्या ये उसके रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा? तीन चीजों को छोड़ के जो भी डायरेक्टर को दे रहे हो वो सब जोड़ लो, दैट इज अ रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, क्लियर। तो डायरेक्टर के रिम्यूनरेशन की अगर डेफिनेशन देखोगे तो सेक्शन 2 क्लॉज 78 के अंदर मिलती है कि रिम्यूनरेशन मींस एनी मनी और इट्स इक्वलेंट गिवन टू पास एनी पर्सन सर्विसेज रेंडर बाय हिम इंक्लूडिंग परक्विजिट्स डिफाइन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बोल रहे हैं कि किसी कोई भी सा भी पेमेंट, किसी भी तरह की मनी का पेमेंट या मनी के अलावा कुछ दिया है तो मनी की वैल्यू के बराबर का पेमेंट, चाहे वो किसी भी तरह से दिया हो, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सैलरी हेड के अंदर आप ढेर सारी चीजें पढ़ते हो, उनसे रिलेटेड कुछ भी पेमेंट किया है वो सब रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा। जो पेमेंट किसको मिल रहा है बेटा, या तो मैनेजर रिम्यूनरेशन किसको मिल रहा है बेटा, मैनेजरियल पर्सन को, मैनेजरियल पर्सन कौन हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, इनको जो भी पेमेंट किया जा रहा है सब कुछ रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा, क्लियर। हेलो, तो ये हमारे रिम्यूनरेशन की डेफिनेशन हो गई कि भैया रिम्यूनरेशन में क्या आएगा। लेकिन यहां दो इंपॉर्टेंट बातें आती है, सिटिंग फीस। तो सिटिंग फीस के बारे में भी बेटा हम अगर पढ़ें तो सिटिंग फीस के बारे में हमको सेक्शन 197 सब सेक्शन 5 के अंदर कुछ पॉइंट मिलते हैं सिटिंग फीस से रिलेटेड। सिटिंग फीस मतलब बोर्ड मीटिंग अटेंड करने की फीस, बैठने की फीस, कि भैया बोर्ड मीटिंग में आके बैठो, डायरेक्टर को ये बोला गया है। तो बोर्ड मीटिंग में अगर डायरेक्टर आके बैठते हैं तो सारे बच्चे बताओ, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, ये तो कंपनी में फुल टाइम है, बोलो, ये तो वहीं रहते हैं, तो आके मीटिंग में बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो तो केवल मीटिंग अटेंड करने के लिए रखे गए, तो उनसे बोला जाता है आओ मीटिंग अटेंड करो, बोलते हैं हमारा क्या फायदा, हम क्यों आए, घर के काम है, तो बोलते हैं आओ हम आपको टीका लगा के एक लिफाफा भी देंगे, तो बोले वो हमारी सैलरी में जोड़ लोगे आप, तो क्या फायदा। तो कंपनी बोलती नहीं, सैलरी के अलावा आपको दिया जाएगा, क्या ये बात समझ में आई, बोलो। तो सैलरी के अलावा दिया जाएगा, दैट मीन्स सिटिंग फीस नॉट इंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन पार्ट के अलावा होगी सिटिंग फीस। दूसरी बात बोल रहे हैं मेरा, क्वांटम जो है सिटिंग फीस का कितना होना चाहिए ये बोर्ड फिक्स कर सकता है, कि भैया इतनी सिटिंग फीस दी जाएगी, ये बोर्ड द्वारा फिक्स किया जा सकता है। लेकिन किसी भी हालत में ये फीस 1 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक सिटिंग फीस एक डायरेक्टर की कितने रुपए हो सकती है, एक मीटिंग अटेंड करने की, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, एक मीटिंग अटेंड करने की फीस कितनी हो सकती है,
मैक्सिमम 1 लाख रुपीज हो सकती है पर पर्सन पर मीटिंग, ध्यान रखना पर पर्सन पर मीटिंग, क्लियर? हेलो, ध्यान रखेंगे बोर्ड मीटिंग फीस कितनी हो सकती है 1 लाख रुपीज पर पर्सन पर मीटिंग, मतलब एक डायरेक्टर 1 लाख रुपए एक मीटिंग के ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये सिटिंग फीस है उनकी। इसी में मेरा एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना बेटा। कंपनी ने एक मीटिंग की रिजोल्यूशन पास करने के लिए, मीटिंग रात तक चलती रही और मीटिंग एडजॉर्न हो गई, कुछ दिन बाद वापस से वही मीटिंग वापस हुई और रिजोल्यूशन पास करने के लिए वापस से डायरेक्टर बैठे। सारे बच्चे बताओ, अब जो डायरेक्टर उस मीटिंग में आया है उसको कितने रुपए की मैक्सिमम फीस मिलेगी? 2 मीटिंग हुई उस मीटिंग के लिए, बताएं बेटा कितनी फीस मिलेगी? बोलो, 2 लाख या 1 लाख? 1 लाख। मतलब अगर मीटिंग बाद में होती है, मतलब मीटिंग एडजॉर्न हो गई है और बाद में वापस से हो रही है, तो क्या होगा? फटाफट बोलो, दोनों मीटिंग का मिला के एक ही फीस मिलेगी, क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो ध्यान रखेंगे 1 लाख रुपए की लिमिट है, और यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप फीस पे कर रहे हो विमेन डायरेक्टर को और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि इनको आप अदर डायरेक्टर से फीस कम दो, आपको बराबर देना पड़ेगी, क्लियर? हेलो, तो ये हमारे सिटिंग फीस के प्रोविजंस हमको सेक्शन 197 सब सेक्शन 5 के अंदर मिलते हैं, याद रखे हो लोगे? बोलो। हेलो, वेरी गुड। नेक्स्ट बात बेटा, यहां पर सिटिंग फीस का समझ में आ गया, क्या मैं 1 लाख रुपए से ज्यादा की सिटिंग फीस दे सकता हूं? दे सकते हो, एसआर पास करना पड़ेगा। बोलो। हेलो, एसआर पास करो, शेयर होल्डर की मीटिंग में दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम को भी हटाने का बोला था। इंश्योरेंस प्रीमियम कौन सा वाला है ये? सर इंश्योरेंस प्रीमियम है क्या? तो इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में हमारा कंपनीज एक्ट बोलता है कि बेटा ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस होते हैं डायरेक्टर के, की मैनेजरियल पर्सन के, कि अच्छे से काम करें। लेकिन कई डायरेक्टर ऐसे होते हैं, कई बार बेटा वो डायरेक्टर क्या कर सकता है, फटाफट बोलो, वो डायरेक्टर क्या कर सकता है? ध्यान ना दे कंपनी के ऊपर, नेग्लिजेंस रखे, डिफॉल्ट कर दे, कोई मिसकंडक्ट कर दे कंपनी के ऊपर, कंपनी का, या फिर बेटा कोई ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ऐसे करने से कंपनी को नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। अगर ये करेगा तो नुकसान कंपनी का है। बोलो, हाँ ना? हेलो, तो कंपनी इस नुकसान से बचने के लिए, इस डर से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, एक पॉलिसी ले लेती है जिसको बोलते हैं फ्रॉडुलेंस पॉलिसी। तो कंपनी एक फ्रॉडुलेंट पॉलिसी ले लेती है कि भैया मैनेजर पर्सन ने कोई फ्रॉड किया और कंपनी को लॉस हुआ, तो फिर वो लॉस उस इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनियां ऐसी पॉलिसी दे देती हैं, उसका प्रीमियम कंपनी पे करेगी। जो प्रीमियम कंपनी ने पे किया है वो प्रीमियम नोट डाउन करेंगे, मैनेजरियल रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर डायरेक्टर ने फ्रॉड किया तो जितना प्रीमियम कंपनी ने पे किया है पूरा का पूरा मैनेजरियल रिम्यूनरेशन का पार्ट हो जाएगा, मतलब उसे चार्ज करेगी कंपनी और कंपनी से उसको रिकवर भी करेगी। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। हेलो, मतलब ये प्रीमियम कब रिम्यूनरेशन का पार्ट बन जाएगा? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, प्रीमियम कब रिम्यूनरेशन का पार्ट बन जाएगा? अगर मैनेजर ने फ्रॉड किया। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन आया, एक डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के लिए कंपनी ने 4 लाख रुपए की सैलरी दी, 2 लाख रुपए का पीएफ पे किया और 5 लाख रुपए का फ्रॉडुलेंट इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया मिस्टर एक्स के लिए। क्या क्या पे किया सारे बच्चे बताएंगे? सैलरी कितने की? 4 लाख की। पीएफ कितने का? 2 लाख का। और इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया फ्रॉडुलेंट पॉलिसी का 5 लाख रुपए का। मिस्टर एक्स ने फ्रॉड किया जिसके कारण से कंपनी को 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान कितने का हुआ, फटाफट बोलो? 1 लाख का। अब सारे बच्चे बताएं मेरे को जल्दी से,
रिम्यूनरेशन कितना माना जाएगा एक्स का, बताओ। सबसे पहले तो बताओ, 4 लाख रुपए सैलरी का जुड़ेगा, पीएफ का 2 लाख जुड़ेगा, 7 तो ये हो गया। अब यहां बताओ, जितना नुकसान हुआ वो जुड़ेगा कि प्रीमियम जुड़ेगी? नॉट, जितना नुकसान हुआ वो नहीं जुड़ेगा, प्रीमियम अमाउंट जुड़ेगा। ये ध्यान रखेंगे, यहां प्रीमियम अमाउंट जोड़ने का बात किया गया है, मतलब पूरे 5 लाख रुपए जुड़ेंगे। तो बताएं सारे बच्चे, फिर कितने रुपए का रिम्यूनरेशन बन जाएगा, बोलो कितना रिम्यूनरेशन बन जाएगा? 11 लाख रुपए। वेरी गुड बेटा प्रतिभा, ध्यान रखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? हेलो, तो प्रीमियम अगर आपने फ्रॉडुलेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसका प्रीमियम आपने पे किया तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्टर गिल्टी होता है, पाया जाता है इनमें से किसी भी तरह का, तो फिर प्रीमियम जो है रिम्यूनरेशन का पार्ट बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर? ये थी बेटा हमारी डेफिनेशन रिलेटेड टू, जल्दी से बताएं डेफिनेशन रिलेटेड टू रिम्यूनरेशन। अब बच्चों बताओ, मैंने अभी तक आपको दो बातें बताई इस पूरे चैप्टर में। मैनेजरियल पर्सन मतलब किन की बात चल रही है, जल्दी जल्दी बोलें फटाफट, मैनेजरियल पर्सन मतलब किसकी बात चल रही है? एमडी, मैनेजर, सीईओ जिसको आप बोलते हो, इनमें से कोई भी एक ही बंदा होता है कंपनी के अंदर, इसके अलावा होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर। क्लियर? अब यहां पर रिम्यूनरेशन का मतलब क्या है, जल्दी से बताएंगे। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या है? एनीथिंग पेमेंट टू मैनेजरियल पर्सन, जो मैनेजरियल पर्सन को आप पे कर रहे हो कुछ भी, वो सब मैनेजरियल रिम्यूनरेशन माना जाएगा, एक्सेप्ट प्रोफेशनल कैपेसिटी में उसको कुछ दे रहे हो, सिटिंग फीस उसको दी है, और थर्ड वन सारे बच्चे बताएं, इंश्योरेंस प्रीमियम उसको दिया है। इनको छोड़ के जो भी पेमेंट किया है वो सब मैनेजरियल रिम्यूनरेशन माना जाएगा। क्लियर? हेलो, ये कॉन्सेप्ट यहां तक सबको समझ में आ गया? हेलो, तो अब बात उठती है रिम्यूनरेशन की लिमिट, कितना रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। तो सारे बच्चे बताएं, कंपनी में अगर प्रॉफिट है तो रिम्यूनरेशन देंगे कि नहीं देंगे? कंपनी में प्रॉफिट है, रिम्यूनरेशन देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। कंपनी में लॉस हो गया, डायरेक्टर साहब ऐसे डिसीजन दिए जिससे कंपनी में लॉस हो गया, रिम्यूनरेशन दें कि नहीं दें? देंगे। तो बेटा यहां दोनों ही केस में कंपनी को रिम्यूनरेशन के, मैनेजरियल पर्सन को रिम्यूनरेशन मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो यहां पर जो सेक्शंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो अलग अलग हैं। पहला प्रोविजन, अगर कंपनी में प्रॉफिट है तो फिर बेटा सेक्शन 197 और 198 के अकॉर्डिंगली रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, अगर कंपनी में क्या है, फटाफट बोलो, प्रॉफिट है। और कंपनी में लॉसेस हैं तो शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंगली रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। मतलब शेड्यूल 5 कब लगेगा, सारे बच्चे बताएं, शेड्यूल 5 कब लगेगा? जब कंपनी में क्या है, लॉसेस हैं या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट तो है लेकिन इनएडिक्वेट है। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट हुआ रिलायंस को 1000 रुपए का, तो क्या मैं 1000 का 11% 110 रुपए अंबानी जी को दे दूं और बोलूं घर चलाओ? बोलो नहीं, प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? मतलब इनएडिक्वेट प्रॉफिट कब माने जाएंगे? बोले शेड्यूल 5 में जितना रिम्यूनरेशन बताया गया है, अगर प्रॉफिट के केस में रिम्यूनरेशन आप निकाल रहे हो उससे कम आ रहा है तो फिर माना जाएगा कि प्रॉफिट आपके इनएडिक्वेट है। मतलब शेड्यूल 5 में जितना रिम्यूनरेशन बताया उससे ज्यादा अगर यहां सेक्शन 195 में आ रहा है तो दैट मीन्स आपके प्रॉफिट जो है वो एडिक्वेट है, आप यहां से रिम्यूनरेशन दो, नहीं तो शेड्यूल 5 के हिसाब से पे कर दो। क्लियर? हेलो, जैसे शेड्यूल 5 बोल रहा है कि भैया रिम्यूनरेशन दे सकते हो 5 लाख का, से 5 लाख का, और आपने यहां 95 सेक्शन 197 से निकाला है, वो रिम्यूनरेशन आ रहा है 2 लाख रुपए। शेड्यूल 5 बोल रहा है 5 लाख तक दे सकते हो, यहां 2 लाख निकल के आ रहा है, दैट मींस आपके प्रॉफिट एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट हो गए? फटाफट बोलो,
इनएडिक्वेट हो गए तो आप फिर शेड्यूल फाइव के हिसाब से दे सकते हो। तो ध्यान रखेंगे दो बातें हमको करना है। एक पहली और इंपॉर्टेंट बात जल्दी से बताएंगे, पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या बताई मैंने जल्दी जल्दी बोले बोलो, दो बात करेंगे प्रॉफिट हुआ तो सेक्शन 197 और 198 के हिसाब से दे। प्रॉफिट है लेकिन इनएडिक्वेट है या प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है तो रिम्यूनरेशन कैसा दिया जाएगा, जल्दी से बोलेंगे रिम्यूनरेशन कैसा दिया जाएगा बोलो, शेड्यूल फाइव के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। वेरी वेरी नाइस बच्चों, आई होप सबको समझ में आ गया है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी सर, हम उन लिमिट्स की बात कर रहे हैं जो तब लगेंगी जब कंपनी के पास प्रॉफिट है, और प्रॉफिट भी कैसे हैं, एडिक्वेट प्रॉफिट है, सफिशेंट प्रॉफिट है, क्लियर है। तो कितना मैक्सिमम रिम्यूनरेशन दिया जाएगा ये कौन डील करेगा, सेक्शन 197 कौन डील करेगा, सारे बच्चे जल्दी से बोलेंगे 197 कितना रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। तो सेक्शन 197 बोलता है सारी प्रजातियों को मिला के, सबको मिला के, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, पार्ट टाइम डायरेक्टर है, सारी प्रजातियों को मिला के कोई भी कंपनी 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा रिम्यूनरेशन नहीं दे सकती है। कितने परसेंट जल्दी जल्दी बताएंगे कितने परसेंट, तो ओवरऑल लिमिट 11% ऑफ नेट प्रॉफिट है, इससे ज्यादा रिम्यूनरेशन नहीं दिया जा सकता है एज पर सेक्शन 197, क्लियर। इसी में इनकी कुछ सब लिमिट्स हैं, सब लिमिट्स क्या हैं, अलग अलग डायरेक्टर्स के लिए लिमिट बताई गई हैं, कुछ सब लिमिट्स भी यहां पर बताई जा रही हैं। सर क्या सब लिमिट बताई जा रही है, सबसे पहले सब लिमिट बताई गई है बेटा एमडी होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर के लिए, सर मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की लिमिट क्या बताई गई है, ये बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अंदर कोई भी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक सिंगल बंदा मैक्सिमम रिम्यूनरेशन ले सकता है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5% ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता, मतलब 11 में से किसी एक बंदे को देना चाहते हैं, जैसे अंबानी जी अकेले को दे रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्टर उसमें अकेले अंबानी जी को देना है, तो मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूं, सारे बच्चे जल्दी से बताएं मैक्सिमम कितना दे सकता हूं बोलो, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। और इस प्रजाति को मतलब पार्ट टाइम को छोड़ के, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को छोड़ के, बताओ ये तो रोज आते हैं कि नहीं बोलो, हेलो, इन सारी प्रजाति को, सारी प्रजाति मतलब एमडी होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो कंपनी के अंदर हैं, उन सारे डायरेक्टर को मैक्सिमम रिम्यूनरेशन दिया जा सकता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, कितना फटाफट बोलो 10%। सारे बच्चे बताओ 11 में से 10% तो इस प्रजाति को बांट दिया जो कंपनी के अंदर डे टू डे एम्प्लॉय के अंदर काम करते हैं, तो बताओ बच्चों अब पार्ट टाइम डायरेक्टर के पास मैक्सिमम कितना बचा, 1% बचा। तो यहां पर बोलते हैं कि जो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं, इनको मैक्सिमम रिम्यूनरेशन दिया जा सकता है इस प्रजाति के साथ में, अगर इनको 10% मिल गया है तो इनको केवल कितने परसेंट रिम्यूनरेशन मिलेगा, जोर से बोले 1% रिम्यूनरेशन इनको दिया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर कंपनी एक चीज और बोलती है बच्चों, क्या बोलती है कंपनी, बोल रही है कि अगर ये प्रजाति है ही नहीं, एमडी मैनेजर कुछ है ही नहीं, कंपनी में केवल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बस कंपनी में केवल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये सब निपट गए भगवान को प्यारे हो गए हैं ही नहीं, तो सारे बच्चे बताओ फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऊपर वर्कलोड आ जाएगा कि नहीं, तो वर्कलोड आ जाएगा, तो बोलते फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ज्यादा काम करेंगे तो फिर इनको 3% ऑफ नेट प्रॉफिट दिया जाएगा, मतलब 3% कम मिल सकता है इनको बताओ, कंपनी के अंदर एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर वगैरह नहीं है, मतलब ये वाली प्रजाति नहीं है, तो लिमिट 3% हो जाएगी, 3% ही दिया जाएगा, 11% वाली लिमिट 3% बचेगी, क्लियर। हेलो हेलो, अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहां समझेंगे जो मेरे को आपको बताना है वो ये जो लिमिट है 5%, 10%, 1%, अगर ये लिमिट मेरे को बढ़ाना है तो मैं बढ़ा सकता हूं बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके, लेकिन 11% वाली लिमिट को अगर मेरे को बढ़ाना है
तो मेरे को एसआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, फटाफट बोलो, एसआर। अभी इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछता हूं, जो आपने ये पढ़ा है ये समझ में कितना आया उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। सारे बच्चे इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे, तैयार हो? चलें, देखता हूं आपने कितना एक्ट पढ़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो लिमिट है वो एप्लीकेबल होगी केवल किसके ऊपर? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी को जितना देना दें उनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सेक्शन 197 जो आप पढ़ रहे हो वो पब्लिक कंपनी के ऊपर ही एप्लीकेबल है। क्लियर? हेलो, चल अब यहां ध्यान से देखेंगे। मेरा क्वेश्चन है, मैंने ये यहां पर कुछ लोगों को बिठा रखा है। फर्स्ट वाला कॉलम रिप्रेजेंट करेगा एमडी या मैनेजर को, सेकंड वाला कॉलम रिप्रेजेंट करेगा होल टाइम डायरेक्टर को, थर्ड रिप्रेजेंट करेगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, लास्ट वाले में आपको लिमिट का आंसर्स देना है। कंपनी के अंदर एक एमडी है, कंपनी के अंदर एक एमडी है, ये हमारा एमडी है। कंपनी के अंदर ये हमारे होल टाइम डायरेक्टर हैं कुछ। कंपनी के कौन है, फटाफट बोलो, होल टाइम डायरेक्टर। कितने होल टाइम डायरेक्टर हैं कंपनी के अंदर? तीन होल टाइम डायरेक्टर हैं। और कंपनी के अंदर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, ये दो पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं कंपनी के अंदर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। चलो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ, आप लिमिट कितने परसेंट रहेगी बताओ, इन सबको मिला के कितना दे सकता हूं मैं मैक्सिमम? जोर से बोलो। बिल्कुल सही मेरे बच्चों, लिमिट हो जाएगी 11%। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर नहीं है, कंपनी के अंदर ये दो प्रजाति पर हैं, अब लिमिट बताएं कितने परसेंट होगी, बताएं। मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर नहीं है तो भी लिमिट 11% ही होगी। क्लियर? बोलो। क्योंकि इस होल टाइम डायरेक्टर में से एक बंदा ही मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो भी लिमिट 11% ही रहेगी, क्योंकि 10% इनको देंगे, 1% इनको देंगे, टोटल मिला के 11% लिमिट हो गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कंपनी के अंदर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स नहीं है, कंपनी के अंदर केवल होल टाइम डायरेक्टर्स है, लिमिट बताओ। वेरी गुड मेरे बच्चों, लिमिट हो जाएगी 10%। 10% रिम्यूनरेशन कंपनी पे करेगी इन सबको। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर है और होल टाइम डायरेक्टर है, लिमिट बताओ। लिमिट बताओ, लिमिट बताओ। 10%। वेरी गुड बेटा, इन सारी प्रजातियों को 10% से ज्यादा रिम्यूनरेशन नहीं मिल सकता, वो 1% पार्ट टाइम के लिए, वो पार्ट टाइम तो है ही नहीं, तो 10% ही लिमिट रहेगी, 11 नहीं होगी। क्लियर? माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी के अंदर केवल मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर अकेला है, लिमिट बताओ। वेरी गुड बेटा, कंपनी की लिमिट 5% हो जाएगी, आंसर इज 5%। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी के अंदर होल टाइम डायरेक्टर है, केवल होल टाइम डायरेक्टर है, वो भी एक सिंगल होल टाइम डायरेक्टर है, लिमिट बताओ। 5%। वेरी गुड, लिमिट 5% ही रहेगी। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी के अंदर ध्यान से देखेंगे, सॉरी, कंपनी के अंदर केवल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कंपनी के अंदर केवल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, बताएं लिमिट कितने परसेंट रहेगी? ये प्रजाति है ही नहीं, तो इनकी लिमिट कितने परसेंट हो जाएगी? 3%। क्यों सारे बच्चे बताओ, 3% क्यों? क्योंकि इनको ज्यादा काम करना है। लेकिन अगर मैं बोलूं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, अब बताओ लिमिट। लिमिट लिमिट लिमिट, कंपनी के अंदर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और दो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, बोलो। वेरी गुड, मैनेजिंग डायरेक्टर को 5% से ज्यादा नहीं मिल सकता, और अगर ये प्रजाति इनके साथ में है तो इनको 1% से ज्यादा नहीं मिल सकता, तो सारे बच्चे बताओ लिमिट कितनी हो जाएगी?
6%। अब देखो सेक्शन 197 में 6% कहीं था ही नहीं, बट डिपेंड, हमको सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए। क्लियर? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे बताएं, कंपनी के अंदर केवल कौन से डायरेक्टर हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, लिमिट कितने परसेंट हो जाएगी? सारे बच्चे बताएं, 3%। तो 3% इनको अब मिलेगा। क्लियर हुआ? हेलो, तो ये था बेटा हमारा रिम्यूनरेशन। आई होप सबको समझ में आ गई होंगी लिमिट। आई समझ में कि नहीं? फाइव परसेंट एक बंदे को मिलेगी, सिंगल एक बंदा, वो बस कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव मतलब अगर वो मैनेजर है तो 5% ले सकता है, अगर वो एमडी है तो ले सकता है, अगर वो होल टाइम डायरेक्टर है तो भी ले सकता है। समझ में आया? लेकिन एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर को मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है? 10%। पार्ट टाइम डायरेक्टर अगर अदर प्रजाति के साथ में है तो 1%, पार्ट टाइम डायरेक्टर अकेले हैं तो कितने परसेंट? 3%। क्लियर? हेलो, ये है बेटा हमारा पूरा सेक्शन 197। अब बताएं सेक्शन 197 क्लियर है कि नहीं? हेलो, और मैंने आपसे बोला कि अगर आप लिमिट, जो आपकी सब लिमिट है 5%, 1%, 10%, 3%, अगर ये आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओवरऑल लिमिट बढ़ा रहे हो, क्लियर है कि नहीं, जो लिमिट बताई गई है उससे ज्यादा लिमिट में आप रिम्यूनरेशन दे रहे हो, तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। क्या ये सबको याद रहेगा? हेलो, पहले यहां सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन थी, लेकिन अब एसआर हो गया है अमेंडमेंट के बाद। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्या, जल्दी से बताएं, लिमिट एज पर सेक्शन 197। क्लियर हुआ? पॉइंट टू बी कंसीडर, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, आ डायरेक्टर मैनेजर मे बी पेड रिम्यूनरेशन इधर बाय बे ऑफ मंथली। ये पेमेंट डायरेक्टर साहब को मंथली बेसिस पर किया जा सकता है, लमसम किया जा सकता है, प्रॉफिट के परसेंटेज को बेस बना के कमीशन के रूप में दिया जा सकता है, परक्विजिट्स के रूप में दिया जा सकता है, किसी भी तरह से ये रिम्यूनरेशन पे ऑफ किया जा सकता है। दूसरी बात बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, उनको ईसोप नहीं मिलेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, एक बात ध्यान रखेंगे। और जो भी उनको पेमेंट मिलता है रिम्यूनरेशन का, वो रिम्यूनरेशन सिटिंग फीस के अलावा होगा, या उसने बोर्ड मीटिंग के खर्चे किए हैं तो कंपनी ने उसका रिइंबर्समेंट किया है, वो भी उनके अमाउंट में नहीं जुड़ेगा। और अगर कंपनी के डायरेक्टर मेंबर्स जो अप्रूव करके उसको कमीशन दे रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो भी रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होगा। साथ ही साथ बोलते हैं कि ये जो भी प्रोविजन आपने पढ़े हैं, ये सारे प्रोविजन प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये केवल पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। प्राइवेट कंपनी जितना चाहे उतना रिम्यूनरेशन दे, कंपनीज एक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? हेलो, तो ये था बेटा हमारा सेक्शन 197। सेक्शन 197 में हर जगह बेटा नेट प्रॉफिट वर्ड यूज हुआ है। कौन से नेट प्रॉफिट का ये परसेंटेज लगाना है? तो कौन से नेट प्रॉफिट पर ये परसेंटेज लगेगा, कोई बच्चा मेरे को बताएगा? जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखा रहा, उस पर ये परसेंटेज लगा दूं? हेलो, मेरे को लगता है तुमने कंपनी से एक पढ़ा ही नहीं, ऐसा क्यों मेरे को लग रहा है यार? अच्छा, किस पे लगेगा जल्दी बताओ, फिर कौन से नेट प्रॉफिट पे लगेगा बेटा हर्षिता, ये बताओ फिर। नो बेटा, नो,
आकृति, अमीषा, आयुषी, क्या बोल रहे हैं? कौन से नेट प्रॉफिट पर ये परसेंटेज लगेंगे? हेलो, कौन से नेट प्रॉफिट पर लगेंगे बच्चों, जल्दी बताएं। हेलो, ऐसा कैसा कंपनीज एक्ट पढ़ा रहे नालायक हो तुम सबने? कुछ भी पूछता हूं कुछ भी आंसर्स नहीं देते हो। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, कौन से वाले नेट प्रॉफिट पे लगेगा? जो नेट प्रॉफिट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट का है उस पर नहीं लगेगा। नेट प्रॉफिट कौन सा होगा? नेट प्रॉफिट होगा बेटा सेक्शन 198 का नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? सारे बच्चे बताओ। कौन सा नेट प्रॉफिट? सेक्शन 198 वाला नेट प्रॉफिट जो आपने निकाला वो नहीं, जो इनकम टैक्स में नेट प्रॉफिट निकालते वो भी नहीं। कंपनीज एक्ट का अलग से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। वो प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 198। क्लियर? हेलो हेलो रिया, तनीषा, प्रतिभा, समझ में आया? ओके, तो चलो इतना आप पढ़ के आएंगे, इसके आगे कहानी कल पढ़ेंगे। कल कुछ लिमिट और पढ़ेंगे, एलओडीआर वाली लिमिट, ये पढ़ के आना है एलओडीआर वाली। कल मैं पूछूंगा आप सबसे, बोल तो रहे हो आप सब पढ़ा हुआ है लेकिन याद तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो मैं श्रेयान सर को बोलता हूँ, इनको कुछ नहीं याद है, आगे पार्ट पीछे सपाट सब। चलो तो मिलते हैं कल, पढ़ के आएंगे इतना, ठीक है? हेलो, ओके बेटा, बाय बाय।